गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में 40 प्रश्न राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति ज्ञान और राजस्थानी भाषा से लिए हैं। 25 प्रश्न राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य वाले शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से लिए हैं 25 प्रश्न। 10 प्रश्न लिए हैं शैक्षिक मनोविज्ञान से और 5 प्रश्न लिए हैं सूचना तकनीकी से। इस तरह से कुल टोटल प्रश्न हो जाते हैं 80। साथियों, इस वीडियो को तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छा लगता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 812 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 810 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा 869 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1718 मीटर, 1412 मीटर, 1310 मीटर। करेक्ट आंसर होगा 1722 मीटर। राजस्थान के किस जिले में धूल भरी आंधियां चलती हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। करेक्ट आंसर होगा श्रीगंगानगर। कोपेन के अनुसार राजस्थान का आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतीक चिन्ह है? आर्द्र जलवायु का BWHW, BSHW, CWG, AW। करेक्ट आंसर होगा AW। नदियों का त्रिवेणी संगम नहीं है? सोमाही जाखम, चंबल बनास सीप, चंबल माही जाखम, बनास मेनाल बेड़च। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल माही जाखम। ये त्रिवेणी संगम नहीं है, बाकी तीनों त्रिवेणी संगम है। राजस्थान के किस क्षेत्र में खस घास पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में? सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। रामगढ़ बाग परियोजना कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा। करेक्ट आंसर होगा बूंदी जिले में। राजस्थान की मरुस्थली क्षेत्रों में सेम की समस्या का क्या अर्थ है? मरुस्थल का प्रसार, मिट्टी का कटाव, क्षारीय मृदा का बढ़ना, रेगिस्तानी नदियों का सूखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा का बढ़ना। होबा, होबा या जोजोबा
एक विदेशी पौधा है जिसको किस देश से लाया गया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, इज़राइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज़राइल। तो इसको इज़राइल से लाया गया था। ये मरुस्थलीय पौधा है और ये बहुत ही काम का पौधा है। इसको इज़राइल से लाया गया है और राजस्थान में इस समय काजरी में लगाया था इसको, जोधपुर में शुष्क अनुसंधान केंद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार 1000 से ऊपर ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़, जालौर। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा, जयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। तांबड़ा का उत्पादक जिला नहीं है? टोंक, अजमेर, सीकर, झुंझुनू। करेक्ट आंसर होगा झुंझुनू। टोंक, अजमेर, सीकर में तांबड़े का उत्पादन होता है। बढ़ला सोलर पार्क कौन से ज़िले में स्थित है? कोटा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जोधपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान के किस ज़िले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, जयपुर। करेक्ट आंसर होगा नागौर। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट या मंडलों में बांटा गया है? 15, 12, 10, 16। करेक्ट आंसर होगा 10। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 मंडलों में बांटा गया है। घोड़े की मज़ार कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, अजमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। गणेश्वर पुरातत्व स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, अक्षय कीर्तिपाल, रतन चंद्र अग्रवाल, बीके थापर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? जेता, मंडन, नापा, पूंजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का मंडन। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया?
सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, भारमल, मिर्जा राजा जय सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। महाशिवरात्रि किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या, फागुन शुक्ल त्रयोदशी, फागुन शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फागुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली में भरता है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? मांडना, पाने, फल, गोटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाने। और कपड़े पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? उनको फड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं, तो उसका रसिया, लांगुरिया, सीठने, हमसीडो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमसीडो। ओदक दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है जैसलमेर दुर्ग, शिवाणा दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, गागरौन दुर्ग। तो ओदक का अर्थ होता है जल, तो जल दुर्ग कौन सा है? तो यह गागरौन दुर्ग, ओदक दुर्ग है करेक्ट आंसर। जंतर मंतर कहाँ है? अजमेर, झालावाड़, जयपुर, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो यहाँ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को हल्के में मत लेना बिल्कुल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। चलिए हम आगे चलते हैं। संत जम्बोजी को बिश्नोई संप्रदाय के लोग किसका अवतार मानते हैं? संत जम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का, लक्ष्मण का, विष्णु का, शत्रुघ्न का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये मालवा विजय पर इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। पाथल और पीथल किसकी रचना है? तो किसकी रचना थी या किसकी रचना है? विजयदान देथा, जगत सिंह, कविराज श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया की है पाथल और पीथल। रमझोल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कमर में, नाक में, पैर में, अंगुली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर में। मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली
नहीं है। चामंड उदयपुर किशनगढ़ नाथद्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ चित्रशैली मारवाड़, सॉरी यहाँ पे जो मारवाड़ है इसकी जगह पे मेवाड़ आएगा, मेवाड़। तो मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली नहीं है। तो चामंड उदयपुर नाथद्वारा मेवाड़ की चित्रशैलियाँ हैं, चित्रशैली की उपशैली है, लेकिन जो किशनगढ़ है ये मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। पिछवाई चित्रशैली है उदयपुर नाथद्वारा बीकानेर जैसलमेर, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। नाथद्वारा पिछवाई भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। बादले क्या है? इनका निर्माण जिंक से किया जाता है और इन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। पानी भरने के बर्तन, अनाज रखने के बर्तन, कचरा भरने के बर्तन, पशुओं का आभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी भरने के बर्तन होते हैं जिनको बादले कहते हैं, और ये जोधपुर में बनाए जाते हैं। कोटा की 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खान कहाँ के निवासी थे? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जयदयाल और मेहराब खान कहाँ के निवासी थे, सॉरी ये भी है, और ये भी है कि कौन सी कहाँ की क्रांतिकारी थे। जयदयाल और मेहराब खान, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कहाँ के क्रांतिकारी थे। तो कोटा के क्रांतिकारी थे, लेकिन ये इनका निवासी स्थान कहाँ के निवासी थे ये? तो जैसलमेर बाड़मेर, धौलपुर कोटा, मथुरा करौली, कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा करौली। मथुरा के तो थे जयदयाल मथुरा के थे, और मेहराब खान करौली के थे, करौली। चबरी कर किस किसान आंदोलन के किसानों से लिया जाता था? भरतपुर, बिजोलिया, अलवर, बेगू। तो यह लिया जाता था बिजोलिया के किसानों से लिया जाता था चबरी कर, लड़की के विवाह पे। भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? भरतपुर, अलवर, बेगू, बिजोलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में कितने रियासतों को मिलाया गया? 10, 15, 4, 9। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 को। 4 को मिलाया गया था प्रथम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंश भास्कर के रचनाकार कौन थे? केसरी सिंह बारहट, सूर्यमल मिश्रण,
कवि राजश्यामलदास, पद्मनाभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। तो इसको याद रखने का एक और तरीका है, जब भास्कर, भास्कर माने सूर्य होता है और सूर्य माने सूर्य होता है, तो इसे वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नैनसी, हेमचंद सूरी, नरदेव राजशेखर। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर ओझा, श्यामलदास, केसरी सिंह बारहट। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामल दास, कविराज श्यामलदास। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण को संकटग्रस्त जाति के रूप में लाल डाटा पुस्तक में रखने वाली संस्थान कौन सी है? यूनेस्को, WHO, IUCN, GTF। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2022, 1 मई 2022, 1 जून 2022, 1 मई 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई 2022 को की गई थी। 1 मई 2022 को एक योजना की और शुरुआत की गई थी, वो थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 1 मई 2022 को की गई। राजस्थान में काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई? रूस, जापान, यूनेस्को ऑस्ट्रेलिया, यूनेस्को चाइना, नाइजीरिया वियतनाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के सहयोग से केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना जोधपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में आयोजित 30 जनवरी 2021 को ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु सिंह पवार किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, निशानेबाजी से, पैरा एथलीट से, तीरंदाजी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। केशव राय पाटन राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, यानी शराब उत्पादक किसे कहते हैं? कोटा, जयपुर, नागौर, अलवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सवाई मानसिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, जगदीश वर्मा, शिवचरण माथुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह।
तो गुरुमुख नियाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे, इससे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, और राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री के कितने निर्वाचन हो चुके हैं, यानी कितने बार चुनाव हो चुके हैं मुख्यमंत्री के, 21 बार, 20 बार, 18 बार, 22 बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 बार, 22 बार मुख्यमंत्री के चुनाव हो चुके हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री है राजस्थान के अशोक गहलोत, और ये 13वें नंबर के व्यक्ति हैं। व्यक्ति की बात की जाए तो 13वें नंबर का है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की व्यवस्थापिका में कितने विधानमंडल होते हैं, 4, 5, 6, 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब वो 3 कौन कौन से हैं, मंत्रिपरिषद, तो ये होंगे विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा, और तीसरी है राज्यपाल। तीसरी हो जाएगी राज्यपाल। तो ये 3 होते हैं विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 200। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, 6, 5, 7, 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, अवकाश प्राप्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को। करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नागौर में किया था सबसे पहले, नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग और कितने ज़िले हैं, 7 संभाग और 33 ज़िले, 9 संभाग और 33 ज़िले, 8 संभाग और 30 ज़िले, 9 संभाग और 33 ज़िले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 संभाग और 33 ज़िले। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को मंजूरी मिली,
24 जून 2022 को, 30 जून 2022 को, 15 जून 2022 को, 23 जून 2022 को। करेक्ट आंसर है 23 जून 2022 को। अब स्कूलों में दिन में सप्ताह में दो बार पाउडर का दूध बच्चों को पिलाया जाएगा, 150 ml पाँचवीं क्लास तक, 200 ml आठवीं क्लास तक पिलाया जाएगा। राजस्थान में विद्यार्थियों के कैरियर संबंधी बाधा को दूर करने के लिए मिशन ज्ञान ऐप की शुरुआत कब की गई? मिशन ज्ञान ऐप की शुरुआत कब की गई? अप्रैल 2021, मार्च 2000 में, जून 2021, मई 2021। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2021 में की गई थी मिशन ऐप की शुरुआत। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 31 मार्च 1995, 1 मार्च 1995, 30 मार्च 1995, 1 अप्रैल 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1995। राजस्थान में SMC के गठन को मंजूरी कब मिली? यानी विद्यालयों में SMC गठन को कब मंजूरी मिली? 10 मई 2011 को, 10 अप्रैल 2011 को, 22 अप्रैल 1999 को और 11 फरवरी 2002 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मई 2011 को SMC के गठन की मंजूरी मिल गई थी संस्कृत निदेशालय के सचिव द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश की कुल GDP का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? 8%, 7%, 6%, 5%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%। RTE एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? 27, 30, 38, 35। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 धाराएं। स्कूल में SMC का गठन कौन सी धारा के तहत किया जाता है? धारा 22, धारा 23, धारा 21, धारा 24। करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 21 के तहत। राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस सत्र से आरंभ हुआ? सत्र 2012-13, सत्र 2011-12, सत्र 2013-14, सत्र 2014-15। करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्र 2012-13 में। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक कौन सी थी? टांका, नाड़ी, खडीन, बावड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा खडीन। नौलखा बावड़ी किस जिले में है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। वर्तमान में मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। करेक्ट आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा का केंद्र है
शिक्षा का केंद्र है, वर्तमान में शिक्षा का केंद्र है। अध्यापक, बालक, पुस्तक, तीनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान पर वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किसने किया और बेबी बायोग्राफी की रचना की? स्टैनले हॉल, पेस्टोलॉजी, टाइडमैन, जेम्स सल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? एडलर, क्रो एंड क्रो, स्किनर, वाटसन। करेक्ट आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? गैरेट, स्किनर, वाटसन, कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत करेक्ट आंसर। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क, जॉन ग्रेगर मेंडल, बीजमैन, गाल्टन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजमैन ने बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया। चिंतन व कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेटस, क्रेस्मर, शेल्डन, थॉर्न डाइक। करेक्ट आंसर होगा थॉर्न डाइक। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है आत्मकथा विधि, CAT, TAT, IVT। करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा विधि। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड, गार्डनर, जीन पियाजे, टॉलमैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? 9 मई 2007, 7 जून 2000, 17 अक्टूबर 2000, 5 अक्टूबर 2000। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइल, बिजनेस फाइल, वेब फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डायरेक्ट नंबर सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, डबल नेट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार, तो सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन। ई एजुकेशन, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
हमारा लास्ट का और अंतिम क्वेश्चन है, इस्माइल 3.0 की शुरुआत कब हुई? 13 अप्रैल 2020 को, 2 नवंबर 2020 को, 21 जून 2021 को, 13 जून 2022 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून 2021 को। तो ये थे हमारे 80 प्रश्न, और 80 प्रश्न मुख्य विषय और शिक्षण विधि के अलावा ये सब के सब इसी में आते हैं। तो ये हुए हमारे कुल 80 प्रश्न। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।